गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर पे। टारगेट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। मैं हूँ अंकिता और मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को फिजिक्स। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए, टारगेट सेमेस्टर के बैच से जुड़ जाइए जहाँ सारथी बैच चल रहा है। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो ज़रूरी है मिलते रहेंगे, ठीक है। सारथी बैच पे आपको ये सारे जितने भी सिलेबस हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। आपको एमसीक्यू, जितने ज़रूरी एमसीक्यू हैं सेमेस्टर के लिए, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी से टारगेट सेमेस्टर के प्लेटफॉर्म पे। मैं क्या करूँगी, आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सिलेबस। इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो इसमें यूनिट वन में आता है कि जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो थर्मोडाइनेमिक्स में जो होते हैं वो फोर लॉ होते हैं, ठीक है। इसमें पहला तो ये दे दिया है कि जीरोथ और फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले यूनिट के दूसरे टॉपिक में दे दिया है सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। तो जो ज़्यादा इसमें कोई हार्ड नहीं है, हम इसमें पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, हीट के बारे में, वर्क डन के बारे में, ठीक है। यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ इक्वेशंस भी जनरेट करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनसे जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न तो वही होगा, ठीक है। दूसरे में आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे और सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में क्लासियस इनक्वालिटी के बारे में, एंट्रोपी एंड इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंट होता है, मतलब जो इसको क्या करता है, डिनोट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंट्रोपी कैसे चेंज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, हम मैक्सवेल रिलेशन भी पढ़ेंगे, जो भी इसमें क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैक्सवेल रिलेशन, क्लॉसियस इनक्वालिटी, ठीक है। ये सारा हमारा है, और ये थॉम्सन है, क्या है, थॉम्सन, जे जे थॉम्सन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्लेसियस क्लैपरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ यही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आता है, इसमें यूनिट वन में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी आपने पढ़ रखा होगा, अगर ट्वेल्थ पढ़ के आए हैं या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, तो उसमें काइनेटिक गैस के बारे में आप जानते होंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज, उसके पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि इसमें जो डेरिवेशन दिया गया है मैक्सवेल द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे टॉपिक्स नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते ही होंगे, ठीक है, नाम सुन रखा होगा आपने। ज्यों ज्यों हम पढ़ेंगे वो सारा रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले जब डिस्क्रिप्टिव होता था तो उसमें ज़्यादा हार्ड होता था, लेकिन अभी हमको लग रहा है एमसीक्यू हो गया है तो ज़्यादा ईजी हो गया है आप लोगों के लिए। क्या होता है कि नंबर भी नहीं कटते हैं हमारे पेपर में, ठीक है। अभी क्या है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ रेडिएशन में हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेलेजेंस लॉ भी है। ये तो पूरा आपका चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ आता है, वो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, पूरा फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, ठीक है। जैसे हमारा हो गया और गेट के बारे में, नॉर गेट के बारे में, ठीक है, हमारे गेट कैसे बनते हैं उसके बारे में भी आता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो था हमारा सेमीकंडक्टर एंड डीसी डायोड के बारे में। यहाँ से ज़्यादा टॉपिक्स उठाते हैं हमारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ग्रोथ एंड डीके करेंट्स इन आरएल सर्किट होता है, एलआर सर्किट होता है, ठीक है, एक होता है एलसीआर होता है, ठीक है। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आता है जंक्शन, आप सुनेंगे पीएन जंक्शन के बारे में। तो उसमें क्या होता है, पी, एक तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, एक हो गया पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारा पढ़ेंगे, फर्मी लेवल भी पढ़ेंगे। और एक और चीज़ है इसमें, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट्स एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन।
ठीक है। तो मल्टीमीटर, ये सारे तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं, मेज़र करने के काम आते हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस, सब ये सारे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस ये सारे हम मेज़र करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ दिया है, ठीक है, तीन चीज़ें हैं। देखो पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक तो ये हो गया हमारा, एक होता है वोल्टेज डिवाइजर बायस सर्किट ऑफ सी एम्पलीफायर, ठीक है, ये दो हो गया, और ये हो गया हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसके बाद ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में मल्टीमीटर जो होता है ये किस चीज़ को मेज़र करता है, ये इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये वोल्टेज डी करेंट और मतलब जो भी इसको मेज़र करता है उसके बारे में हम जानेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालता है, ठीक है। अच्छा सीआरओ जो होता है, बेसिक डायग्राम ऑफ सीआरओ, ठीक है। सीआरओ क्या होता है, एक ऐसे अगर आपने कभी लैब ज्वाइन किया है, ठीक है, मतलब समझो कि ऐसे होता है तो आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सके होंगे, ठीक है। तो उसमें सीआरओ होता है, उसमें मेज़रमेंट आता है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे सातूथ में, वेव में, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये हमने कर रखा है इसलिए हम लोग को पता है, आगे आप भी करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। जैसे इसमें 555 टाइमर का रीडिंग हम लोग निकालते थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और फिर आपका सारा MCQs हम कंप्लीट कराएंगे इसी बैच के साथ। आप सेमेस्टर बैच के साथ जुड़े रहिए, आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो MCQ है वो हम अभी कराते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपसे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।